वेलकम बैक टू द चैनल एंड टुडेज टॉपिक इज एथोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इम्पॉर्टेंट नोट अबाउट एनिमल. सो एज यू नो दैट दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ माय चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल. सो एंड वन थिंग दैट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नंबर फर्स्ट अबाउट पीकॉक्स. व्हेन पीकॉक्स डांस दे प्रोड्यूस अ साउंड कॉल्ड रसलिंग साउंड टू अट्रैक्ट पीहन. तो बेसिकली होता है, अपने खेतों में या फिर वीडियो में देखा होगा, पीकॉक जो अपने वो बड़े बड़े फेदर्स फैला के जो वो डांस करता है, उन ग्रीन और वाइट फेदर्स को कहते हैं हम वो ब्यूटी फेदर्स. बेसिकली टू कलर के पीकॉक्स होते हैं, वन वाइट एंड वन ब्लू एंड ग्रीन. सो वाइट पिकॉक्स होते हैं, बहुत रेयरली होते हैं, आई थिंक क्रॉस ब्रीड भी होता है उनका कुछ. तो जो वाइट पिकॉक्स होते हैं वो तो अमेरिका में होते हैं, शायद इंडिया में भी होते होंगे. तो जो ब्लू पिकॉक होते हैं, ब्लू और ग्रीन पिकॉक होते हैं, तो वो जब डांस करते हैं तो आपने देखा होगा वीडियोज़ में या फिर रियलिटी में खेत में कि वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, रिझाते हैं. तो जो प्रोसेस होता है उनके फड़फड़ाने का पंखों को, वो उससे पैदा होता है रसलिंग साउंड. रसलिंग साउंड पीहेंस को अट्रैक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. ये रसलिंग साउंड हमें तो नहीं सुनाई देगा, पर 2 किलोमीटर दूर बैठे हुए मोर और मोरनियों, पीहन और पिकॉक को भी सुनाई दे सकता है. ये रसलिंग साउंड बहुत बड़ा मेन रोल निभाता है ब्रीडिंग सीजन में, रेनी सीजन में एंड मीटिंग सीजन में. अब ये रसलिंग साउंड इसलिए बड़ा रोल निभाता है ताकि मेल पिकॉक जो होते हैं वो अपनी फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो दोनों अपना पेयर बना सकें, अपना जोड़ा बना सकें. पर फीमेल जो होती हैं वो रसलिंग साउंड नहीं निकाल सकती, इसलिए भगवान ने उन्हें वरदान दिया है कि वो चिल्लाएं. फीमेल्स की आवाज़ तो आपने बहुत, आई थिंक बहुत कम ही सुनी होगी, पर जब भी फीमेल चिल्लाती हैं इसका मतलब कोई ना कोई तो मतलब होता है, मतलब कोई खतरा या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन. तो ये रसलिंग साउंड मोर बेसिकली 3 बार रसलिंग साउंड निकालते हैं, एक रेनी सीजन, दूसरा ब्रीडिंग सीजन, तीसरा मीटिंग सीजन. रेनी सीजन में जब थोड़ी थोड़ी ड्रिजल होती है, जब बूंदाबांदी होती है, तो मोर रसलिंग साउंड बार बार निकालते हैं. वो इसलिए रसलिंग साउंड निकालते हैं अपनी खुशी को जताने के लिए. तो दूसरा होता है मीटिंग सीजन. मीटिंग सीजन में मोर और मोरनी, पिहन और पिकॉक अपना जोड़ा बनाते हैं और मोर अट्रैक्ट करते हैं मोरनी को, चाहे वो कितनी भी दूर हो, पर 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर होनी चाहिए, तभी पीहेन मोर के पास आएगी उसकी रसलिंग साउंड सुन के. और तीसरा ब्रीडिंग सीजन में. ब्रीडिंग सीजन में जो होते हैं मोर और मोरनी अपना जोड़ा बना के अंडे देते हैं, तो जब बच्चे निकलते हैं तो पिकॉक रसलिंग साउंड निकालते हैं. अब नाउ अबाउट कैट. When a cat is sleeping and it wakes the sound of a bird and open its eyelashes and it doesn't stand. So this is not a behavior. इसका मतलब है अगर कोई बिल्ली है वो सो रही है पेड़ के नीचे और पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठ के चहचहा रही है, हाँ, तो उसकी आवाज़ से बिल्ली जग जाती है, मतलब अपनी आई लैशेज को, आँखों को खोल लेती है, पर वो ना उठती है, ना उसकी पूंछ में कोई हलचल होती है, ना उसके पैरों में हलचल होती है, वो फिर से सो जाती है. तो ये कोई बिहेवियर नहीं है. इफ़ अ कैट हियर्स अ वॉइस ऑफ अ बर्ड एंड ओपन इट्स आईज लैशेज एंड स्टैंड अप wakes its tail and run to hunt the bird. So it's the behavior. अब जो होता है कि जो cat होती है वो जो मतलब उठ जाती है, अपनी पूंछ को हिलाती है, अपने मतलब वो पूरी खड़ी हो जाती है, उसका पूरा वर्किंग बॉडी लैंग्वेज होते हैं उसके वर्किंग, और वो भागने लगती है चिड़िया को पकड़ने के लिए, पेड़ पर चढ़ जाती है. तो ये उसका बिहेवियर है. वो अपना जैसे कोई भूखा डॉगी है, वो अपना कोई भी जानवर है, डॉगी क्यों, कोई भी जानवर है, वो अपना हंगर, जो उसको भूख लगी है तो वो खाने की तरफ दौड़ा दौड़ा आता है, तो वो शो करता है अपना हंगर. ये होता है उसका स्ट्यूमुलाई. तो अब आगे पढ़ते हैं स्ट्यूमुलाई के बारे में. So, if there is some change in the environment and on that the behavior of animal that are living in that area, so the behavior of
एनिमल इज कॉल्ड स्टिमुलस, STIMILUS, स्टिमुलस। तो जो मतलब किसी इन्वायरमेंट में, किसी जंगल में इन्वायरमेंट का चेंज आता है, मतलब बहुत जल्दी गर्मी बढ़ जाती है, बहुत माइनस डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, ठंडी आ जाती है, तो इस चक्कर में जो एनिमल्स अपना बिहेवियर दिखाते हैं, अपना रिप्लाई करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, अपना रिप्लाई देते हैं, तो उसे कहते हैं हम स्टिमुलस। और जो स्टिमुलाई होता है वो होता है सिग्नल। स्टिमुलाई, स्टिमुलस एक ही वर्ड है पर उनके मतलब अलग हैं इन वाइल्ड लाइफ। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ बिहेवियर। इफ अ माउस सीज अ ईगल एंड और अ हॉक, इट ले डाउन एंड स्टॉप डूइंग एवरी थिंग दैट इट वॉज डूइंग, सो ही नोज दैट वॉट ही शी हैड टू डू इन सच सिचुएशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सेंड दिस सेकेंड पार्ट टुमोरो, एंड प्लीज बी वाइल्ड एंड स्टे ट्यून।